विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा हमीरपुर व सुजानपुर सीट के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और विधायक नरेंद्र ठाकुर को एक दूसरे की सीट से लड़ने को कहा गया है। इसी फेरबदल के बाद सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने प्रचार का श्री गणेश किया। इस मौके पर उनके साथ सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर, सुजानपुर मंडला अध्यक्ष कैप्टन रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रचार के लिए निकले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का बराड़ा, झिनिक्कर, बारी मंदिर, टौणी देवी, ग्वारडू, उहल आदि क्षेत्रों में पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों और पटाखे फोड़कर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने बारी मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों का आभार भी जताया। इस मौके पर आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए धूमल ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन भी इसी क्षेत्र से शुरू हुआ है और क्षेत्र की जनता ने चुनावों के दौरान उन्हें रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय बनाकर मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर से भाजपा को जिताएगी और प्रदेश में भाजपा सत्तासीन होगी। वहीं धूमल ने लोगों से अपील की कि वह खुद विधानसभा क्षेत्र की प्रचार का जिम्मा संभालें ताकि वह प्रदेश में प्रचार को गति दे सकें। मेरा राजनीतिक जीवन इसी साल के कारण हुआ है और आज भले पहली जनसभा आपके कारण हो रही है तो आपको संबोधित करते हुए यही निवेदन करूंगा आप सबसे कि इस चुनाव में जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की लेकिन सबसे ज्यादा वोटों को जिताने का श्रेय जिस क्षेत्र को मिलता है तो पहले भी आपने रिकॉर्ड कायम किया है। अब मुझे उम्मीद है इस बार फिर आपका आशीर्वाद विकास की समस्या है जो भी होगी समाधान होगा। आपने जो किया था अगर अपनी सरकार आई तब क्या कहेंगे और आपकी अब सरकार नहीं है तो क्या हो रहा है। और सारे प्रदेश घूमना तुम्हें घूमना बड़े बूथ पर मैं शुरू करने तो पहले दिन नहीं तो हमें लुआई थी और बाकी थोड़ा जिम्मा जरा करना है विधाई भी तो होनी सारा कुछ थोड़ा ही है।